इस वक्त मेरी मौजूदगी पटना ईडी दफ्तर के ठीक बाहर है और एक बार आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। कांग्रेस के तमाम नेता पटना क्षेत्रीय कार्यालय जो है प्रवर्तन निदेशालय का, उसमें धरने पर बैठे हुए हैं। चिलचिलाती धूप है लेकिन इसके बावजूद भी जो इनका जोश है वो हाई है, जोश कम होने का नाम नहीं। और देखिए अब इस चिलचिलाती धूप में गमछा जो है वो सहारा बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं और धरना जो है इनका जो नाराजगी है, विरोध प्रदर्शन है, उसको जाहिर किया जा रहा है। ठीक सामने ये देखिए ईडी का दफ्तर आप देख रहे होंगे और इसके ठीक बाहर तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं, अजीत शर्मा हो, मदन मोहन झा हो, कांग्रेस की विधायक प्रतिमा दास हैं, तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस के विधायक हमारे साथ हैं, उनसे जुड़ेंगे। मैडम इतनी धूप है, चिलचिलाती गर्मी नहीं लग रही? बिल्कुल नहीं। हम लोग जिस पार्टी के सदस्य हैं, नेता हैं, वो देश को आज़ाद कराने में अपना बलिदान दिया है। ये गर्मी तो कुछ भी नहीं है। जब तक हमारे आदरणीय नेता से पूछताछ होगी तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। ये आप लोग विरोध जाहिर कर रहे हैं, यहाँ पे धरने प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए वैसे पार्टी के नेता से पूछताछ की सम्मन जारी किया गया है, उनको ईडी कार्यालय में बुलाया गया है, जिसका इतिहास रहा है देश के एकता, अखंडता और भाईचारे को कायम करने के लिए उनके परिवार के लोगों ने बलिदान दिया है। इस पार्टी ने बलिदान दिया देश को आज़ाद कराने में। ये देश कभी माफ़ नहीं करेगा भाजपा के लोगों को और उन नेताओं को जो सरकारी संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग करती है। इस बात को कहा जा रहा है कि सीबीआई ईडी दबाव में काम करती है, तो आखिर किसका दबाव है? दबाव सब लोग जानते हैं, भाजपा की दबाव, भाजपा वाले दबाव बनाते हैं। कुछ दिन पहले आदरणीय लालू जी के यहाँ छापामारी हुई। देश के वैसे तमाम नेताओं को जो क्षेत्रीय पार्टी के लोग हैं उनको इसी ईडी सीबीआई संवैधानिक संस्थानों के दबाव में डरा धमका करके अपने पक्ष में किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस जब अंग्रेजों से नहीं डरी तो ये इन लोगों से क्यों डरेगी जो देश के सरकारी संस्थानों को बेच रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी ने देश के एकता अखंडता के लिए जो बनाई थी उसको बेच बेच करके शासन कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से हम डरते नहीं हैं। हम लोग तब तक आंदोलन करेंगे जब तक इनको सत्ता से उखाड़ के फेंक नहीं देते। नेताजी को आपके समन भेजा ईडी ने, किस तरीके से अपनी आवाज को? देखिए ये तो इस देश में जब जब चुनाव आता है, जब जब मोदी सरकार मुश्किल में फंसती है, तो उस समय ईडी को आगे करती है और या और एजेंसियां जो हैं सरकार की उसको आगे करती है। अभी तो राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, विपक्षी पार्टियां गोलबंद हो रही हैं और गोलबंदी को देख के डरते हुए जो मेन मुख्य विपक्षी पार्टी है उसके नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को समन भेजने का काम कर रही है। ये वो कांग्रेस पार्टी है, ये नेता जो कांग्रेस के हैं, इनके पुरखों ने बलिदान दिया है इस देश के लिए, देश के स्वतंत्रता में अहम योगदान दिया है इनके पुरखों ने, और उनको मैं समझता हूं कि बुलाकर अपमानित करने का काम, कलंकित करने का काम ये भाजपा और मोदी सरकार कर रही है। हम लोग कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं और हम लोग जानते हैं कि हमारे नेता पाक साफ हैं। केवल राष्ट्रपति चुनाव में जो गोलबंदी हो रही है विपक्षी पार्टियों को, उसको देखते हुए इस तरीके का कुकृत्य मोदी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। एक सवाल है, कहा जाता है कि ईडी सीबीआई ये सब निष्पक्ष जांच करती है, तो आखिर इस तरीके की काम तो आपको दिख ही रहा होगा कि जिस जिस स्टेट में या तो सरकारें बदल जाती हैं या तो उनकी सरकारें चली जाती हैं और लोगों को तोड़कर ये अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, उसी स्टेट में ईडी का छापा पड़ता है। भाजपा की सरकार थी झारखंड में, पता करिए कि कभी ईडी का छापा पड़ा क्या? ये सारे जो कुकृत्य जो पकड़ी गई पूजा सिंघल, ये बीजेपी के सरकार में गुनहगार साबित हुई थी, उस समय छोड़ दिया गया। अब जब दूसरे की सरकार आ गई तो दूसरे को बदनाम करने के लिए, अपमानित करने के लिए, हो सकता है वो भ्रष्टाचारी हो, लेकिन जब आपकी सरकार थी तब आपने कार्रवाई क्यों नहीं करवाया? आपकी सरकार में कार्रवाई होनी चाहिए थी। उसी प्रकार से आप देखिए राजस्थान में वही हाल है, सरकार हमारी है तो वहां पर भी इनका छापा चल रहा है। महाराष्ट्र की बात देख लीजिए, वहाँ भी यही हाल है। तो जहाँ जहाँ आपकी सरकारें नहीं है वहाँ ईडी और सीबीआई पहुँच जाती है, जहाँ आपकी सरकारें हैं वहाँ झांकने भी नहीं जाती। चलिए देखिए गर्मी बहुत है, गर्मी से हाल बेहाल है। अजीत शर्मा हमारे साथ है। सर गर्मी बहुत है लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग विरोध? गर्मी, हम लोग गर्मी से क्यों डरेंगे भाई? जो गलत देश के लिए प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। आप जब मुख्यमंत्री वो थे गुजरात में, हमारी सरकार केंद्र में थी, कहां आपको ईडी का नोटिस कोई चला गया था? जान बुझ के अब जान रहे हैं कि 2024 में
आपको सत्ता से जनता उखाड़ फेंकेगी तो आप जनता गुमराह कर रहे हैं, न महंगाई चरम सीमा पर उसको रोक पा रहे हैं, नहीं आप रोजगार देने का काम कर रहे हैं। आप हर चुनाव में बोलते हैं 2 करोड़ युवकों को रोजगार प्रत्येक वर्ष देंगे, आप भी युवक को बताओ कितने रोजगार दिए गए। तो मुद्दाओं से जनता को भटकाने के लिए ये सब गुमराह किया जा रहा है। और राहुल गांधी को ईडी का नोटिस दे दिए, ये हेराल्ड केस तो 10 साल पहले बंद हो चुका है। आप महंगाई देखो, बेरोजगारी देखो, शिक्षा का व्यवस्था देखो, जो कांग्रेस ने आजादी के बाद से पीएसयूज बनाए, चाहे वो स्वास्थ्य का कोई एम्स था क्या, एक पिन बनाने की फैक्ट्री नहीं थी, जो कांग्रेस पार्टी ने बनाया उसको आज 8-10 उद्योगपतियों के हाथ बेचने का काम कर रहे हैं। इसलिए जनता को मतलब क्या क्या गुमराह कर रहे हैं, साजिश के तहत तो ये फंसाने की कोशिश थी। बिल्कुल बिल्कुल, वो जब जान रहे की गद्दी से वो हटेंगे, अभी 2014 जनता उनको माफ नहीं करेगी, तो खामखाब दूसरे पार्टी के नेता को परेशान कर रहे हैं। परेशानी से डरने वाले हम लोग नहीं है, आप देख रहे हैं कड़ी धूप में हम लोग बैठे हैं, और अगर फिर से परेशान करेंगे आगे भी, जनता भी आएगी सड़क पर और उनको 2024 में गद्दी से उखाड़ फेंकेगी। चलिए 2024 में गद्दी से उतार फेंकेगी, चिलचिलाती धूप है। और एक बार तस्वीर आपको दिखा देते हैं, तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं, विधायक हैं, अजीत शर्मा हैं, मदन मोहन झा प्रदेश अध्यक्ष हैं, और प्रतिमा दास हैं जो कांग्रेस के विधायक हैं, और भी कई सारे नेता पहुंचे हैं, कौकब कादरी हैं। लेकिन गर्मी कितनी भी है, एक गमछा है सभी के सर पर और वो गमछा सहारा है, लेकिन कुछ भी हो जाए अपने नेता के लिए तमाम लोग यहाँ पर बैठे हैं, और जब तक ईडी उनसे पूछताछ नहीं करती है तब तक ये इसी तरीके से बैठे रहेंगे, और इस बात को कह रहे हैं कि लगातार ईडी और सीबीआई भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम करती है और इस तरीके के हालात उत्पन्न होते हैं। फिलहाल इस लाइव में इतना ही, और भी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।